chemistry वालों में use of their ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है उनमें सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है देयर का यहां अपना कोई अर्थ नहीं होता है जैसे कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं है कुछ विद्यार्थी क्या है ऑब्जेक्ट है किससे बनेगा देयर देयर सब्जेक्ट की जगह आ गया फिर क्या है भी वर्ब हैं ज्यादा है आर ऑब्जेक्ट कुछ विद्यार्थी सम स्टूडेंट्स इन द क्लास बाग में बहुत से आम के पेड़ हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं है देयर पेड़ ज्यादा है आर मैनी बहुत से आम के पेड़ मैंगो ट्रीज कहाँ इन द गार्डन यदि नेगेटिव हो मकान में बहुत से कमरे नहीं है सब्जेक्ट इसमें भी नहीं है ज्यादा है तो हाँ नहीं है नो Many rooms in the इसमें थाथी थे वाले भी आ सकते हैं जैसे दीपक में तेल नहीं था सब्जेक्ट नहीं है देयर
सिंगुलर वाज नहीं है नॉट ऑयल इन द यदि प्रश्नवाचक हो क्या थैले में कुछ पुस्तकें हैं? क्या शुरू में इसकी इंग्लिश नहीं आवे? आर सब्जेक्ट देयर सम बुक्स कुछ पुस्तकें किसमें इन द बैग? क्या कमरे में कुछ कुर्सियां हैं? क्या सुनो इसके अंग्रेजी नहीं आ रहा है? आर सब्जेक्ट देयर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है सम चेयर्स इन द